हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने द बीच हाउस नाम की एक मूवी देखी है जो कि सन 2019 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक अमेरिकन हॉरर मूवी है और इस फिल्म को जेफरी ए. ब्राउन ने डायरेक्ट किया है। द बीच हाउस को IMDb पे मिले हैं 5.4 स्टार्स आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 81% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 64 आउट ऑफ 100। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर द बीच हाउस फिल्म की कहानी को ब्रीफली जानते हुए इस फिल्म से रिलेटेड कुछ बातों को भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। की शुरुआत कुछ अंडरवाटर विजुअल से होती है जिससे ऐसा लगता है कि समुद्र के अंदर कुछ सब्सटेंस रिलीज हुई है। फिर सीन शिफ्ट होकर एमिली और रैंडाल नाम के दो टीनेजर्स को दिखाता है जो कि एक कपल थे और वो रैंडाल के पेरेंट्स के बीच हाउस आए होते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि उस घर में वो दोनों अकेले हैं और उनके कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि उनका ब्रेकअप हो गया था और वो रिसेंटली फिर से अपने रिलेशनशिप को पैचअप कर रहे हैं। उनके कॉन्वर्सेशन से ये भी पता चलता है कि एमिली अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत पैसिनेट है और रैंडल बहुत लेजी था और उसने कॉलेज भी छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, वो एमिली को सजेस्ट करता है कि उन्हें इस बीच हाउस में परमानेंटली रुक जाना चाहिए, लेकिन एमिली को ये मंजूर नहीं था। एनीवेज, जब एमिली बेडरूम से नीचे आती है तो उसे किचन में रिसेंटली यूज्ड बर्तन वगैरह दिखते हैं और वॉशरूम में भी मेडिसिन वगैरह मिलते हैं। इतना ही नहीं, उसे किचन में एक औरत दिखती है जिसने ओशन से कुछ ऑयस्टर्स कलेक्ट किए थे। एमिली उस औरत से छुपते हुए रैंडाल को बुलाकर लाती है। जब रैंडाल और एमिली उस औरत से बातें करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसका नाम जेन है और वो रैंडाल के पेरेंट्स की फ्रेंड थी। तभी जेन का हस्बैंड मिच भी वहां आ जाता है जो ग्रॉसरीज लाने गया था। एमिली सजेस्ट करती है कि वो और रैंडाल एक होटल में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन जेन और मिच उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करते हैं और रैंडाल इस बात से राजी हो जाता है। घर के बाहर एमिली को एक स्लग दिखता है जो कि बहुत अजीब सा था और इस स्लग को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो स्लग ग्रो कर रहा हो। यहाँ एमिली और रैंडाल के बीच थोड़ी बहस भी हो जाती है क्योंकि रैंडाल ने उसके फादर से बिना पूछे एमिली को वेकेशन के लिए बीच हाउस में ले आया था। खैर, रात को डिनर के टाइम सभी जेन के द्वारा कलेक्ट किए गए ऑयस्टर्स खाते हैं एक्सेप्ट एमिली, और यहाँ हम देखते हैं कि ये ऑयस्टर्स कुछ अजीब तरह से मूव कर रहे होते हैं जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। एमिली सबको बताती है कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रही है और साइंटिस्ट बनना चाहती है। दूसरी तरफ रैंडाल कॉलेज के खामियों की कंप्लेन करने लगता है और वो सबको एडिबल वीड ट्राई करने के लिए सजेस्ट करता है। जेन और मिच अग्री करते हैं और जब सब नशे में होते हैं तो मिच किचन के टैप से आ रहे पानी के अजीब टेक्सचर को नोटिस करता है। मीनवाइल एमिली जेन को बताती है कि उसे एस्ट्रोबायोलॉजी पढ़ना है, जिसमें उन्हें उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है जो कि सी में हैं और अब तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। इस सीन के बाद हम कुछ ग्लो कर रहे माइक्रोब्स को देखते हैं जो कि बीच के चारों तरफ फैले हुए थे। एमिली यहाँ ये भी बताती है कि ऐसे माइक्रोब्स यूजुअली ओशन के पानी में होते हैं और जेन इन ऑर्गेनिजम्स को क्लोजली देखना चाहती थी, इसलिए वो बीच के पास ग्रो कर रहे कुछ ट्रीज के पास जाती है। यहाँ जेन ट्रीज के लीव्स पे लगे कुछ सब्सटेंस को छू लेती है जिसके बाद वो कफ करने लगती है। जेन फिर डिसओरिएंटेड फील करती है और तभी बीच के पास एक फॉग फॉर्म होने लगता है। इस फॉग को इनहेल करने के बाद एमिली भी डिसओरिएंटेड हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब एमिली को होश आता है तो वो देखती है कि जेन उल्टी किए जा रही थी, जिसके बाद एमिली सोने चली जाती है। अगली सुबह एमिली जेन को किचन के पास पाती है और वो देखती है कि जेन बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, और तो और जेन के चेहरे पर रैशेज हो गए थे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि असल में जेन वॉज टर्मिनली इल। अब मूवी में इस बात को क्लियरली बताया नहीं गया था, पर सबके कॉन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि जेन के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। खैर, मिच को एमिली और रैंडाल कहीं नहीं ढूंढ पाते और मिच को खोजते हुए दोनों बीच के पास जाते हैं। यहाँ दोनों धूप में थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, पर कुछ देर बाद रैंडाल को स्टोमक सिकनेस होने लगता है और वो घर वापस चला जाता है। रैंडाल अपने कार के कीज और फोन बीच पे भूल जाता है और जब वो बाथरूम पहुँचता है तो वो टैप से निकलते हुए पानी को देखता है जो कि सिंक में अजीब पैटर्न्स फॉर्म कर रहे थे। दूसरी तरफ मिच एमिली के पास पहुंचता है जो कि अब भी बीच पे थी, और एमिली को मिच बहुत अजीब लगता है। मिच एमिली को जेन के इलनेस के बारे में भी हिंट करता है और फिर खुद ओशन की तरफ चला जाता है।
यहाँ एमिली देखती है कि मिच ओशन के बहुत अंदर चला जाता है और खुद को काइंड ऑफ ड्राउन कर लेता है। एमिली पैनिक कर जाती है और सी शोर के पास जाती है, पर तभी वो नोटिस करती है कि शोर के पास एक जेलीफिश पड़ा हुआ था जो एमिली के पैर को स्टिंग कर देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, एमिली के वुंड के अंदर एक वॉर्म जैसा ऑर्गेनिज्म घुस जाता है और एमिली जैसे तैसे घर के अंदर पहुंचती है। एमिली किचन जाकर नाइफ और टोंग की मदद से उस वॉर्म को अपने वुंड से बाहर निकाल कर अपने वुंड को ट्रीट करती है और उस वॉर्म को देखकर ऐसा लगता है मानो ये वॉर्म एक म्यूटेटेड जेलीफिश टेंटिकल था। एमिली को फिर घर में रैंडाल मिलता है जो कि अब बहुत सिक होता है और फिर एमिली जेन को देखती है जो कि क्रॉल कर रही थी और उसकी आंखें एकदम वाइट हो गई थी। जेन के मुंह से एक वाइट सब्सटेंस निकल रहा था और जेन को अवॉइड करते हुए एमिली और रैंडाल घर से जाने लगते हैं। वो दोनों जेन को घर में लॉक करके जाते हैं, लेकिन जेन एक विंडो को तोड़कर एमिली और रैंडाल का पीछा करने लगती है। अब क्योंकि एमिली और रैंडाल के पास उनका कीज और फोन नहीं था तो दोनों एक पास के घर में जाते हैं, पर उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। उसी समय वो फॉग वापस आ जाता है और एक इंसान जिसकी हालत जेन जैसी हो गई थी वो एमिली और रैंडाल की तरफ क्रॉल करते हुए आता है। फॉग की वजह से एमिली को कुछ क्लियर नहीं दिखता और रैंडाल की हालत भी बिगड़ती जाती है। इसके अलावा अंधेरा भी होने को आया था और उसी वक्त एमिली एक लाइट देखती है और वो उसी तरफ जाती है। एमिली को वहाँ एक पुलिस कार मिलता है जिसके अंदर एक रेडियो था और उस रेडियो की मदद से वो किसी को कांटेक्ट कर पाती है। रेडियो के दूसरी तरफ जो इंसान था वो एमिली को पूछता है इफ़ शी वॉज एक्सपोज टू द फॉग और वो एमिली को इंडोर्स जाने की सलाह देता है टू अवॉइड द फॉग। एमिली रैंडाल के साथ एक पास के घर के अंदर घुस जाती है टू लुक फॉर कार कीज और उस घर के अंदर वो देखते हैं कि पानी का टेक्सचर अब एकदम अजीब हो गया है। एमिली टीवी लगाकर देखती है कि एक इमरजेंसी अलर्ट हर एक चैनल और रेडियो में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है जिसके हिसाब से अर्थ के हीट हो जाने से ओशन के नीचे के रॉक्स में कुछ स्ट्रेंज माइक्रोब्स रिलीज हो गए हैं जिसकी वजह से वो फॉग हो रहा है और इन माइक्रोब्स में अर्थ के ऑर्गेनिजम्स को म्यूटेट करने की क्षमता है। एमिली अगली सुबह का वेट करने के लिए डिसाइड करती है और रैंडाल उसे कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है एज इफ ही इज डाइंग। एमिली रैंडाल को कंसोल करती है और नीचे बेसमेंट में जाती है बाई फॉलोइंग सम ब्लडी फुटप्रिंट्स और दूसरी तरफ रैंडाल पूरी तरह इन्फेक्टेड हो जाता है जिसके बाद वो अजीब फ्लूइड वॉमिट करता है जिसमें एक क्रीचर भी होता है और इसके बाद उसकी आंखें एकदम वाइट हो जाती है। मीनवाइल एमिली को बेसमेंट में डाइविंग किट से एक ऑक्सीजन टैंक मिलता है जिसके थ्रू वो क्लीन एयर ब्रीद कर पाएगी, पर उसे वहाँ एक कम्प्लीटली इन्फेक्टेड इंसान मिलता है जो कि म्यूटेटेड था और एक स्ट्रेंज क्रीचर में तब्दील हो चुका था। ये क्रीचर अब एक दूसरे इंसान को खा रहा था। एमिली ये देखकर ऊपर भाग जाती है और उसे वहाँ रैंडाल मिलता है जो कि एमिली को फॉलो करने लगता है। एमिली रैंडाल के सर को उस ऑक्सीजन टैंक से मार देती है और फिर कार कीज को ढूंढकर वहाँ से ड्राइव करके जाने लगती है विद द ऑक्सीजन टैंक, लेकिन फॉग की वजह से वो कुछ देख नहीं पाती और उसकी गाड़ी एक ट्री से टकरा जाती है जिसके बाद एमिली बेहोश हो जाती है। जब एमिली को होश आता है तो वो देखती है कि ऑक्सीजन टैंक कार में अटक गया है और वो कार से जैसे तैसे निकलती है और खुद को एक पडल में पाती है। एमिली को कुछ स्ट्रेंज विजन्स आते हैं और हम वियर फिर उसको बीच पे अगली सुबह देखते हैं। एमिली अब पूरी तरह इन्फेक्ट हो चुकी थी और वो खुद को ना डरने की सलाह देती रहती है। तभी एक सी वेव आता है और एमिली पानी के अंदर चली जाती है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द बीच हाउस की कहानी और आपने नोटिस किया होगा कि इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक कलर आउट ऑफ स्पेस और द रूइन से मिलती जुलती है जिन्हें मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी कवर किया है। अब ये फिल्म लवक्राफ्टियन या कॉस्मिक हॉरर नहीं है बल्कि ये एक इको हॉरर है जैसे द रूइंस। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे अर्थ के ओवरहीटिंग जो कि अर्थ के ओवर एक्सप्लॉयटेशन का एक रिजल्ट है उसके कारण अंडरवाटर रॉक्स में रह रहे माइक्रोब्स रिलीज हो जाते हैं जो कि अर्थ के ऑर्गेनिजम्स को म्यूटेट कर देते हैं। अब फिल्म में एमिली बताती है कि अर्थ के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बैलेंस बहुत ही डेलिकेट है और ऐसे इसे डिस्टर्ब किया जाएगा तो अर्थ के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओशन से रिलीज हुए ये ऑर्गेनिज्म इसी बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं जिससे एनवायरमेंट और ह्यूमंस अफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इन माइक्रोब्स को रिलीज करने में ह्यूमंस का ही हाथ है बाय डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन इत्यादि। तो इस फिल्म के माध्यम से ये बताया गया है कि अगर हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे तो नेचर माइट टर्न बैक ऑन अस। मूवी के एंड में जब एमिली को सी वेव्स ओशन के अंदर ले जाते हैं तो ये सीन इस बात को सिग्निफाई करती है कि ये माइक्रोब्स अब अर्थ को टेक ओवर कर रहे हैं जिससे ह्यूमंस का एक्सटेंशन इनेविटेबल है और अब अर्थ में एक न्यू ऑर्गेनिज्म या लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करने वाला है।
तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ नोट्स ऑन द मूवी द बीच हाउस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।